रोटरी यूफोरिया और मारवाड़ी युवा मंच उड़ान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित डांडिया कार्यक्रम में महिलाएं और बच्चों ने अपने अद्भुत गरबा परिधान में खूबसूरती की दिशा में तालियां बटोरी। शहर में एक निजी प्रतिष्ठान में आयोजित इस डांडिया कार्यक्रम ने अपने दर्शकों को गुजराती सौंदर्य से सजीव कर दिया। कार्यक्रम स्थल का सजावटी डेकोरेशन बेहद आकर्षक था, जिसमें गुजराती कला और संस्कृति का अद्वितीय प्रस्तुतिकरण था। महिलाएं और बच्चों ने अपने अद्भुत गरबा परिधान में खूबसूरती की दिशा में अपनी शिनाख्त बना ली और इस डांडिया कार्यक्रम को विशेष बना दिया। इस कार्यक्रम में कलाकारों ने अपने स्वयं से तैयार किए गए सोलो और समूह नृत्य के माध्यम से दर्शकों का मन मोह लिया। कोपल रूंगटा, नमिता अरोड़ा, आर्या अग्रवाल और अरुणा गोयल ने अपने नृत्य कला से सबका मन मोहा। प्रीति सराफ के सुंदर गीत ने आपके दिल को छू लिया और आयुषी और प्रगति के समूह ने समापन में एक अद्वितीय नृत्य प्रस्तुत किया। डांडिया क्वीन का खिताब प्राप्त करने वाले व्यक्तियों ने इस समारोह को और भी रंगीन बना दिया। इस संबंध में रोटरी यूफोरिया के अध्यक्ष श्वेता अग्रवाल ने बताया कि यह कार्यक्रम पिछले 3 साल से करवा रहे हैं। लोकगीतों पर पारंपरिक डांस के साथ गुजराती गरबा का भी रंग जमा। गरबा की विशेष पोशाकों के साथ प्रतिभागी महोत्सव के रोमांच को बढ़ा रहे थे। वहीं मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष प्रिया अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश की संस्कृति और परंपराओं को सजीव रखने के उद्देश्य से डांडिया महोत्सव का आयोजन पारिवारिक माहौल में किया गया। रंगारंग डांडिया आयोजन में प्रतिभागी पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर प्रतिभागियों ने भागीदारी निभाई। महोत्सव में विभिन्न श्रेणियों में बच्चे, युवतियां, महिलाएं एवं युवा अपने हुनर दिखाकर पुरस्कार जीते। शाम को यम्मी स्नैक्स और विविध खाने पीने के साथ संगीत और नृत्य ने इसके एक अनमोल यादगार बना दिया। इस संबंध में गोरखपुन्नी संवाददाता से बात करते हुए रोटरी यूफोरिया और मारवाड़ी युवा मंच उड़ान के पदाधिकारियों ने कहा, ये हमारा ये तीसरा सीजन है हमारा धोलीडा का। हम ये मारवाड़ी युवा मंच उड़ान और रोटरी यूफोरिया मिलके 3 साल से ये हम लोग डांडिया सेलिब्रेशन करते आ रहे हैं। हम लोग की दोनों संस्था एक महिला की संस्था है, महिलाओं की संस्था है, और इसमें हम लोग मेंबर्स और मतलब बाहरी मेंबर्स गेस्ट को भी बुलाते हैं और इसमें हम लोग डांडिया क्वीन, हमारा जो मेन अट्रैक्शन है वो डांडिया क्वीन चुनते हैं। किसी के लिए यहाँ पे महिलाएं सज धज के आती हैं और अपने अपना मतलब ग्रुप और सब चीज दिखाती हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे गरबा होता है हमारा जो कि बस स्टार्ट होने वाला है और वो हमारा मेन अट्रैक्शन होता है। कितने एंजॉय करते हैं, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ की रौनक, मतलब मेंबर्स बहुत एंजॉय करते हैं। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो हमारा डांडिया सेलिब्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। हमारा जब गरबा स्टार्ट होगा तो फिर मतलब इस जगह की रौनक देखने लायक होगी। प्रिया अग्रवाल, मैं मारवाड़ी युवा मंच उड़ान की प्रेसिडेंट हूँ। बहुत ज्यादा सुपर, जितना उम्मीद थी उससे भी बहुत ज्यादा हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। क्या कुछ खास किया आप लोगों? हमने खास ये किया कि हमने परफॉर्मेंस भी यहाँ पे रखवाई है, बाकी ऐसे डांडिया तो है ही और साथ साथ में हमने बच्चों की और बड़ों के सबके परफॉर्मेंसेस भी रखवाए हैं। कितने वर्षों से आप लोग इस कार्यक्रम को करते हैं? 4 साल से करते आ रहे हैं, ये हमारा 3rd सीजन है। 1 साल बीच में कोविड का गैप हो गया था। श्वेता अग्रवाल, प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब यूफोरिया। हमारे नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में हर साल हम लोग ये प्रोग्राम लगातार 3 साल से कर रहे हैं। मारवाड़ी युवा मंच उड़ान और रोटरी यूफोरिया मिल करके हम सब मेंबर्स नॉन मेंबर्स को बुलाते हैं और ये सेलिब्रेशन साथ में करते हैं। कितने वर्षों से आप लोग कर रहे हैं और आज कितने एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किए, बहुत छोटे बच्चों से लेके बड़ों ने बहुत परफॉर्मेंसेस दिए। डांडिया क्वीन हुआ,
ये लगातार 3 साल से हम कर रहे हैं, हमारा 3रा साल है। आज मारवाड़ी युवा मंच और रोटरी यूफोरिया हर साल की भांति आज भी हमारा 3rd सीजन है जो हमने डांडिया का आयोजन किया है हमारे क्लब के मेंबर्स के लिए और कुछ उनके साथियों के लिए, जिसको परंपरा ने स्पॉन्सर किया है। और हमने कुछ स्टॉल्स भी लगाए हैं ताकि हमारी जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो क्लब के मेंबर्स हैं, वो और चीजों का भी लुत्फ उठा सके। और ये टोटल लेडीज का रहता है तो लेडीज बहुत एंजॉय करती है। थैंक यू सो मच।